दोस्तों, अगर आपने CCS यूनिवर्सिटी के बैक पेपर एग्ज़ाम दिए थे तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। बैक पेपर एग्ज़ाम का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, CCS यूनिवर्सिटी की तरफ से बैक पेपर एग्ज़ाम का रिजल्ट आ गया है। आज की लेटेस्ट न्यूज़ में इसके बारे में बताया गया है। BA, BCom, MA, MCom में से कई कोर्सों के रिजल्ट जारी हो चुके हैं। अगर आपने बैक पेपर एग्ज़ाम दिया था तो अपना रिजल्ट आप लोग चेक कर लेना। चलिए आपको आज की लेटेस्ट न्यूज़ दिखाते हैं। MA द्वितीय व BCom तृतीय वर्ष का परिणाम जारी। CCSU संबद्ध कॉलेजों का MA द्वितीय वर्ष सभी विषयों ऑल सब्जेक्ट BCom तृतीय वर्ष थर्ड ईयर वर्ष व्यक्तिगत बैक पेपर परीक्षा 2023 का परिणाम घोषित कर दिया गया है, जो विश्वविद्यालय वेबसाइट पर शुक्रवार से उपलब्ध रहेगा। तो यहाँ पर आप देख लें, MA सेकेंड ईयर के सभी सब्जेक्ट के बैक पेपर का रिजल्ट आ गया है और BCom थर्ड ईयर का बैक पेपर का रिजल्ट आ गया है। इसके अलावा कल जारी हुआ है MCom फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का बैक पेपर रिजल्ट। तो इन सभी कोर्सों के रिजल्ट आ गए हैं। अगर आपने अपना रिजल्ट चेक नहीं किया है, तुरंत अपना रिजल्ट चेक कर लें और अपना नेक्स्ट ईयर का प्राइवेट फॉर्म तुरंत भर लें। ठीक है, प्राइवेट फॉर्म नेक्स्ट ईयर के भी भरे जा रहे हैं। और कल की आप लोग लेटेस्ट न्यूज़ ये देख लें, MCom व्यक्तिगत का परिणाम जारी। मतलब MCom फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर बैक पेपर का रिजल्ट भी जारी हो गया है। तो अब आपका MA सेकेंड ईयर, MCom फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और BCom थर्ड ईयर का रिजल्ट आ गया है। अब रह गया है BCom सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का, सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर का और BA फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, इनका रिजल्ट बहुत ही जल्द आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपका रिजल्ट आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी जिन जिन के रिजल्ट आ गए मैंने बता दिया है, आप लोग अपने रिजल्ट चेक कर लें। रिजल्ट आपको शाम तक देखने की मिलेगा। ठीक है, अभी आपका रिजल्ट साइट पर नहीं आया होगा, शाम तक ही अपलोड हो जाएगा। तो रिजल्ट चेक करने के लिए आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल को ओपन कर लें। ओपन करने के बाद में सर्च बार में आपको टाइप करना है CCSU रिजल्ट। इसके बाद में फर्स्ट वाली इस वेबसाइट पर आप लोगों को क्लिक कर देना है। फिर अगर आप रिजल्ट का नोटिस देखना चाहो तो रिजल्ट डिक्लेयर्ड नोटिस पर क्लिक करके रिजल्ट का नोटिस चेक कर सकते हैं कि किन किन के रिजल्ट आए हैं। जो नोटिस यहाँ पर आ जाएंगे उनके ही रिजल्ट चेक होंगे। तो यहाँ पर MCom प्राइवेट का नोटिस आ गया है, ये रिजल्ट अब आप लोग चेक कर सकते हैं। बैक पेपर 2023 MCom फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर बैक पेपर वाले स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट चेक कर लेंगे। साइट पर अपलोड हो गया है, रिजल्ट चेक करने के लिए बैक आना दिखेगा। रेगुलर प्राइवेट प्रोफेशनल कोर्सेज रिजल्ट, इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में ऐसा पेज खुलेगा। अब अपना आप लोग कोर्स सिलेक्ट कर लें यहाँ से। ठीक है, जो भी कोर्स हो, इसके बाद में ईयर सेमेस्टर फर्स्ट सेकेंड वगैरह जो भी है वो सिलेक्ट कर लें। इसके बाद में यहाँ पर रोल नंबर डालना है। इसके बाद में सबमिट वाले इस बटन पर क्लिक कर दें, आपका रिजल्ट आपके फ़ोन में डाउनलोड हो जाएगा और सेव हो जाएगा। उसको आप ओपन करके देख लेना। तो इसी प्रकार से आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर लेना। BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और BCom फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, इनके रिजल्ट आपको बहुत ही जल्द देखने के लिए मिल जाएंगे। हो सकता है कि कल आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएँ, कल या परसों में ये सभी रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और अगर रिजल्ट चेक कर लिया तो तुरंत ही अपना नेक्स्ट ईयर का प्राइवेट फॉर्म भर दें। नेक्स्ट ईयर के प्राइवेट फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, अगर पास हो गए हो तो, और अगर फेल हो गए हो तो एक्स स्टूडेंट का फॉर्म भर दो, वो भी भरे जा रहे हैं। और इसके अलावा एग्ज़ाम डेट भी आपकी आ चुकी है, 20 मार्च से आपके एग्ज़ाम शुरू हो रहे हैं। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कुछ पूछना हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कंप्लीट जानकारी आपको हम इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।